जय माता दी। फ्रेंड्स, आज का सफ़र हमारा शुरू होता है फरीदाबाद से माता वैष्णो देवी के भवन तक, तो बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है फरीदाबाद मेट्रो ट्रेन से होते हुए सराय रोहिदा दिल्ली तक, और उसके बाद हम दुरंतो एक्सप्रेस से सीधा पहुँचते हैं जम्मू तवी। रात को 10:20 पर हमने रोहिला से सफ़र किया और जम्मू तवी हम पहुंच गए सुबह 7:20 के करीब। बहुत ही अच्छा सफ़र था दुरंतो एक्सप्रेस से, और स्टेशन भी कम ही थे बीच में रुकने के लिए। जम्मू तवी आने पर हमें एक बात पता चली कि जो आपके प्रीपेड कनेक्शन है वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। एक स्टेशन आता है कठुआ, वहाँ से आगे आपके प्रीपेड कनेक्शन चलना बंद हो जाते हैं, तो ओनली पोस्टपेड कनेक्शन ही आपके यहाँ पर यूज़ होंगे। तो अगर आपके पास प्रीपेड कनेक्शन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रेंटेड कुछ पोस्टपेड कनेक्शन मिल जाते हैं जिसमें बहुत ही कम अमाउंट रिचार्ज करने पर आप उसको यूज़ में ला सकते हैं। रास्ता बहुत अच्छा बना है और बीच में जो टनल आप देख रहे हैं इससे तो और अच्छा दृश्य बन जाता है। वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए, तो चलिए चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये है कटरा और यहाँ से सामने से दिखाई दे रहा है हमें रास्ता माता के भवन तक जाने के लिए। और होटल टूर हमने अभी नहीं दिया, बट आगे जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको होटल टूर भी दे दूँगा। ये सामने हमारा होटल है जिसमें हमने स्टे किया है, होटल श्रद्धा। तो उसके आसपास की दुकानें जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और सामने ये है कटरा का बस स्टैंड। तो अभी हम यात्रा शुरू करते हैं माता के भवन तक जाने के लिए। तो रास्ते में किसने बताया कि करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से भवन, जो ट्रैकिंग का रास्ता स्टार्ट होता है मेन गेट वहाँ तक का रास्ता है 1.5 किलोमीटर। तो ऑटो वाला पहले चार्ज कर रहा था 150, बट बाद में 100 में वो हमें उस गेट तक ले गया जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, उस द्वार पे पहुँच गए जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है माता के भवन के लिए। जय माता दी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो यात्रा पर्ची है वो चेक होती है और उसके बिना अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो या तो आप यात्रा पर्ची वहाँ से बनवाइए जो बस स्टैंड कटरा में है, या आप ऑनलाइन पहले ही आप ऑनलाइन बनवा कर आ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, मेन इन्फॉर्मेशन, भवन तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक पुराना रास्ता है बाणगंगा से होते हुए जाने का, और एक दूसरा नया रास्ता बनाया है जिसे ताराकोट मार्ग कहा जाता है। तो डिसीज़न आपको लेना है कि अगर आपने बिना खच्चर वाले रास्ते में और पीसफुल रोड हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप नया रास्ता जो कि ताराकोटी मार्ग है वो चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और बहुत सारी शॉप्स और चहल पहल या खच्चर की सवारी करते हुए जाना है, तो आप पुराने मार्ग में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बाणगंगा भी मिलेगी और ये सब जो कि शॉप्स हैं वो भी आपको रास्ते में दिखेंगे। तो इट्स अप टू यू। ये देखिए, सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो ताराकोटी मार्ग है, और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये पुराना रास्ता जो बाणगंगा होते हुए अर्धकुंवारी से माता भवन तक जाएगा। बट हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं और दूंगा, भले ही आप
कोई भी रास्ता चूज करे अर्धकुंवारी जाने तक का, लेकिन अर्धकुंवारी से आगे भवन तक आप कौन सा रास्ता चूज करें उसका भी एक्सपीरियंस हमने किया है, वो मैं अभी बताता हूँ, तो बने रहिएगा। जोर से बोल लो, सारे बोलो। कुछ शॉपकीपर क्लॉक रूम भी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, तो इसके लिए वो 40 रुपये चार्ज करते हैं, बट भवन में ये सुविधा फ्री है। इस क्लॉक रूम का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, आप भले ही एक दिन में आए, दो दिन में आए, तीन दिन में आए, तो भी आपको उतना ही चार्ज देना है। चलिए थोड़ा रास्ते का आनंद लिया जाए, कैसा रास्ता बना है और किस तरीके की शॉप्स यहाँ पर बनी हुई हैं। और हाँ, एक बात और, रास्ता पूरा शेड से कवर है, तो भले ही धूप हो बरसात हो तो आप लोग उसमें सेफ रहेंगे यात्रा करते वक्त। छोटे बच्चों के लिए ये फैसिलिटी मुझे थोड़ी सही लगी, इसमें आराम से बच्चा बैठ सकता है और ये पुश करके उसे ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। तो इसके चार्जेस वेट के हिसाब से और बच्चे के हिसाब से 200 से लेकर 340 तक रखे गए हैं। गर्मी हो रही थी तो रास्ते भर में रेस्ट करते हुए और कुछ लिक्विड लेते हुए हम बढ़ते रहे धीरे धीरे। जय माता दी। ना भैया, ये रहा पाथिंग घाट। एक और फ्रेंड्स, यही वो जगह है जिसे बाण गंगा या बाल गंगा भी बोला जाता है। यहाँ पर जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता ने अपने बाण मार के यहाँ से जल की धारा निकाली थी, जिससे हनुमान जी की प्यास बुझी थी, जैसा कि सुनने में आता है। तो यहीं हमने रेस्ट लिया और स्नान किया, और स्नान करने के बाद जितनी भी हमारी थकान थी सब दूर हो गई। सच में मतलब बहुत मज़ा आया। अभी हम बाढ़ गंगा में और अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग करने। चलो डुबकी लगाने, चलो चलते हैं। अरे यार गॉगल्स तो रास्ते में बहुत नए नए मंदिर बन गए हैं। देखिए एक नया मंदिर ये भी बन गया है और दिखने में तो बहुत अच्छा है। जय माता दी। जय गणेश। यहाँ रास्ते में जगह जगह प्याऊ लगे हुए हैं, आर ओ वाटर लगे हुए हैं, मेडिकल स्टाफ है और जगह जगह वॉशरूम बने हुए हैं, तो फैसिलिटीज सब अवेलेबल हैं। और दोनों रास्तों में स्पीकर्स भी लगे हुए हैं जिसमें माता की भेंटें, भजन और मंत्रोच्चारण चलता रहता है, जो हमारी यात्रा को और आसान बनाता है और बढ़िया बना देता है।
5-10 मिनट का रह गया। ये देखिए ये बकरी कहाँ चढ़ गई है, पता नहीं ये गलती से वहाँ चली गई है, वहाँ से निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें आगे का रास्ता कंप्लीट करना है। तो भगवान रक्षा करें। जय माता दी। जय माता दी। तो भक्तों ये वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है, ये स्थान है चरण पादुका। ये वो जगह है जब माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव बाबा उनका पीछा कर रहे हैं या नहीं, तो उस समय उनके जो चरण चिन्ह थे वो यहाँ पर छप गए थे, इसी वजह से इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि अगर वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ मत्था टेकते हुए जरूर जाइए और यहाँ माताओं का आशीर्वाद लेते हुए जाइए। तो सही है, आप भी कीजिए फिर दर्शन। जय माता दी। चरण पादुका। फ्रेंड्स रास्ते में हम देख रहे थे कि ड्राई फ्रूट्स के जो रेट थे बहुत ही सस्ते थे, मतलब ये उन पे लिखा हुआ था 70 रुपीज़ का वॉलनट हाफ के जी, मतलब 140 रुपये का अखरोट 1 किलो के करीब, जबकि नीचे मिल रहा था 650-450-450। तो आप ज़रा रेट के पीछे ना भागते हुए चीज़ देखिए कि आप ले क्या रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि आप बेवकूफ़ बन जाए। तो टेक केयर सर। सर अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो 30 रुपीज़ की फुल बॉडी मसाज आप करा सकते हैं। ये देखिए सामने लगा हुआ है। कितनी प्यारी है ना। वो रेफरी है, ये दोनों फाइटर्स हैं। अरे हाँ, लेकिन वो तो नीचे थी, ऊपर कहाँ से आ गए। अक्कू तेरा कौन सा है, ब्लैक व्हाइट? हाँ जल्दी लौट, जल्दी टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी। हाँ स्टार्ट। देख रेफरी अपनी मर्जी ले। हाँ चलो सही से रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। चलो ओके बाय। जय माता दी। बता दे लड़ना बुरी बात है, बोल दे, बता दे उनको। हम खुद ही लड़ते हैं। चलते हैं, चलो देखी जाएगी। फ्रेंड्स रास्ते के बीच में स्टेयर्स भी दे रखी हैं, जैसे ये स्टेयर्स में लिखा हुआ है कि 360 स्टेयर्स हैं,
तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज पर्सन है वो मना कर रखा उनको यूज़ करने के लिए। ऊपर से कटरा का बहुत ही सुंदर दृश्य। वहाँ पर भी जाना है बेटा, मैं वहाँ जाना है। तो कह रही हूँ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यो मेन द्वार दिख रहा है। यहाँ पर रास्ते में अक्की कुकू को उनके कुछ सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई। जय माता दी, जय माता दी। आगे चल 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 चल। कितनी हल्की हल्की चल रहे, देखो कितनी हल्की हल्की चल रहे पापा, देखो ना। जय माता दी। अभी हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो काम हमें करना है वो है पर्ची लगवाना। अपने नंबर का गुफा में प्रवेश करने के लिए एक नंबर लगता है, वो हमें लगवाना पड़ेगा। अभी जो करंट नंबर है वो है 265 और हमें मिला है 462, तो करीब करीब 24 घंटे के बाद हमें दर्शन का मौका मिलेगा। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पीछे वहीं पर ही आपकी पर्ची लगेगी। तो हमारा भी नंबर आया था 462, लेकिन 24 घंटे के बाद। तो हमने डिसीजन लिया कि हम यहाँ से सीधा चलते हैं भवन की तरफ, फिर जब वापस आएंगे तो हम अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। फ्रेंड्स, पर्ची में नंबर लगाने के लिए आप अपने पास जो आपके पास यात्रा पर्ची है जिसमें सारे मेंबर्स के नेम लिखे हुए हैं वो अपने पास रखिएगा, क्योंकि उसके बिना पर्ची में आपका नंबर नहीं लगेगा। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये अपनी नंबर का वेट कर रहे हैं। इन्हें हो सकता है कि नंबर एक घंटे बाद या दो घंटे बाद हो, तो होटल लेने के बजाय या कोई रूम लेने के बजाय ये यहीं बाहर वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक मेन इन्फॉर्मेशन, अगर आप अर्धकुंवारी तक किसी भी रास्ते से आते हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं अर्धकुंवारी से भवन तक, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो अर्धकुंवारी से जो नया रास्ता ताराकोटी मार्ग बना है उसको यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल वे है। मतलब आपको उसमें थकान का अनुभव नहीं होगा, और लेकिन जो पुराना रास्ता है उसमें थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है। तो अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी थकान या थोड़ा ज़्यादा आपको
थकावट महसूस होगी, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप नए वाले रास्ते को यूज़ करें। आते समय भले ही आप भवन से पुराने वाले रास्ते से आ सकते हैं। हम आशी बैठ करी तो गए थे, आशी बैठ करी फ्रेंड्स। इस नए मार्ग में जो तारकुटी मार्ग है, इसमें आपको वैन फैसिलिटी भी मिलती है, लेकिन वो प्री बुकिंग करानी पड़ती है। एट अ टाइम आप सोचे कि आपका नंबर लग जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये थोड़ी एक फैसिलिटी यहाँ पर दे रखी है। तो हम भी अभी नए रास्ते को यूज़ करते हुए जा रहे हैं तारकुटी मार्ग भवन की तरफ। इस नए मार्ग तारकुटी मार्ग में भी आपको खाने पीने की, वॉशरूम, पानी की और ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो जाती बस। अब माता का भवन भी नज़दीक है और ट्वेल्व ओ क्लॉक होने वाला है, क्योंकि कुकू अभी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओके बोल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कुकू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे द गॉड ब्लेस यू। जय माता दी, जय माता दी। ये सामने भीड़ शॉप है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन ये टाइम सेव करने के लिए हमने नीचे से ही प्रसाद ले लिया था। भैरव मंदिर जाने का रास्ता और ये है भवन में जाने का रास्ता। बोल साचे दरबार की जय, जय माता। फ्रेंड्स इस बार रश बहुत था, लोगों को होटल डॉर्मेट्री कुछ भी नहीं मिला, तो जिसको जहाँ जगह मिल गई कंबल लेके वो वहाँ पर सो गया। बट एक बात अच्छी लगी कि जो भी आप कंबल लेना चाहें 100 रुपीज़ पर कंबल के हिसाब से आप सेफ्टी डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब आप उसे रिटर्न करेंगे तो 100 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जिनका होटल या डॉर्मेट्री बुक नहीं था तो उन्होंने ऐसे रात काटी। बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आने से पहले प्री बुकिंग कर लीजिए होटल्स की या डॉर्मेट्री की, ताकि आपको ये असुविधा ना हो। हमें कहीं लिंक से एक होटल मिल गया सामने गिरिधर भवन में, तो या थोड़ा हम ये सुविधा रह हो गई हमारे लिए। जय माता दी। माता के भवन से सुबह सुबह का सुनहरा प्यारा दृश्य, और सामने दिखाई दे रहा है कि जो रोपवे है केबल कार वो स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जो भक्त भवन से, माता के भवन से भैरव घाटी दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, और ये भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं। मतलब एक पर्सन के लिए 100 रुपीज़ चार्जेस हैं पूरा राउंड, यहाँ से वैष्णो देवी से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वैष्णो देवी भवन तक।
फ्रेंड्स होटल में तो नहाने धोने की फैसिलिटी थी, बाकी अगर आपने फ्री में करना है तो देखिए सामने दिख रहा है नीचे, वहाँ पर फ्री में फैसिलिटी है नहाने धोने की। उसके अलावा कालिका भवन है, उसमें वेटिंग हॉल है जिसमें पर पर्सन 70 रुपीज़ चार्ज होता है, तो वहाँ पर भी नहाने धोने की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स अब हम जाने वाले हैं माता के दर्शन के लिए। दर्शन से पहले आपको सब कुछ, अपना वॉलेट, मोबाइल, हर चीज़ आपको लॉकर में जमा करानी होती है, सिर्फ यात्रा पर्ची के अलावा। कई बार यात्रा पर्ची देखते हैं, वैसे उतनी ज़रूरत भी नहीं होती, अगर है तो यात्रा पर्ची आप साथ में रख लीजिएगा। तो ये लॉकर है जहाँ पर हमने सारा सामान जमा करा दिया और हम जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए, और ये लॉकर की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्रेंड्स माता के दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि माता के मंदिर के नीचे थोड़ा सा आप जाएंगे तो वहाँ पर एक शिव मंदिर है, बिल्कुल नीचे है सीढ़ियाँ होके, बहुत ही अच्छा है वो भी, देखने लायक स्थान है। और दूसरा ऊपर राम मंदिर है, तो उनके दर्शन करके भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, लंच करने, उसके बाद हम जाएंगे भैरव घाटी। ये जो इतनी लंबी लाइन आपको दिख रही है ये रोपवे की लाइन है, यहाँ से आप उस लाइन में जाके आपको टिकट मिलेगी और उस टिकट से आप जा सकते हैं भैरव घाटी बाय रोपवे और केबल कार। अभी हम गए हैं मनोकामना भवन वन में, तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं बहुत ही रिजनेबल रेट में हैं और जो फूड है वो भी बहुत टेस्टी है। तो हमने यहाँ पर राजमा राइस लिया, सांभर वड़ा लिया और चाय ली, तो बहुत ही स्वादिष्ट था, अच्छा था, वो भी रिजनेबल रेट में। यहाँ से श्रीधर भवन दिख रहा है जहाँ पर हमने रात को स्टे किया था, और इसी के साथ में माता का भवन। मनोकामना भवन के पास में ही जैसे कि आप देख रहे हैं रोपवे स्टेशन है जहाँ से हम भैरव घाटी को जा सकते हैं। अब हम भी जाते हुए रोपवे के थ्रू भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन के लिए। उससे पहले हमें लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ेगा। ये फरीदाबाद से आए हुए अंकल आंटी और भाई हमें यहाँ पर वैष्णो देवी माता के स्थान में मिले, बहुत अच्छा लगा। ये सामने टिकट काउंटर जहाँ पर रोपवे के लिए आपको टिकट मिलेगी पर पर्सन। आप फरीदाबाद के वीडियो में आ गए हैं। ये चलो जय भैरव बाबा, जय भैरव। यहाँ सामने से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ भेंट प्रसाद ले सकते हैं। और जो मैंने नोटिस किया वो ये कि यहाँ पर कोई लूट मार नहीं थी, जो भी रीजनेबल रेट था प्रसाद का, भेंट का, वो उतना ही लिया जा रहा था। मंदिर में चढ़ाना बाबा को, काला कपड़ा अपने मकान के गेट पे बांधो, ये पूरी नजर के लिए होता, नजर का धागा हाथ में डालो, बच्चों को भी रुको, पेन पेन नहीं होता।
अब भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते हुए लाइन में लगे हुए। जय भैरव बाबा। ये भैरव मंदिर। जय भैरव जय। तो फ्रेंड्स, भैरव बाबा के भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए। जय भैरव बाबा, जय माता दी। भैरव बाबा मंदिर के सामने ही ये ओपन स्पेस है, जहाँ पर अगर आप थोड़ी देर एंजॉय करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल, इस जगह से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं लगती है। यहाँ हमने थोड़ी देर फोटोग्राफी की और फिर हम चले गए रोपवे से नीचे वैष्णो देवी मंदिर, जहाँ से फिर हम सीधा चले जाएंगे अर्धकुंवारी माता के दर्शन करने के लिए। तो गाइस, हमारा रोप वे का सफर खत्म हो गया। अब मैं इस रोप वे के सफर को कभी नहीं भूलूंगा। जय माता दी। कैसा लगा? अच्छा या बुरा लगा? मेरे को अच्छा लगा। अंदर रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाऊँ, अंदर भोजनालय के अंदर। पैसेंजर को तो फिर उधर से उतारे सामान, वो कहते हैं जब बोल चल जाए सामान के लिए। हैं फ्रेंड्स, ये तो है ताराकोटी मार्ग जिसे हम आए थे, बट हमने फैसला लिया कि अब हम पुराने मार्ग से चलेंगे, क्योंकि अब हमें नीचे उतरना था। तो भले ही वहाँ चढ़ाई थी तो हम नीचे उतरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमने सोचा कि जो पुराना मार्ग है हम उससे जाएंगे वापस अर्धकुंवारी मंदिर। तो वो जाता है आपका जहाँ से भैरव मंदिर के लिए रास्ता है, वहीं से एक रास्ता कटता है आपके पुराने मार्ग की ओर। तो हम भी वहाँ को चल पड़े वहां से अर्धकुंवारी मंदिर के लिए। सर्व सो
है? नहीं अरे हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये तो है भैरव घाटी जाने के लिए रास्ता, और इसके अपोजिट साइड ये जो आप देख रहे हैं ये है अर्धकुंवारी जाने के लिए रास्ता, जो कि पुराना रास्ता है। तो हमने इसी में सफ़र स्टार्ट किया। इसी रास्ते में आपको सांझी छत भी मिलेगी। ये पुराना रास्ता, ये नया रास्ता। ये जो अभी आपने आवाज सुनी ये बंदर के टीन शेड के ऊपर कूदने की आवाज है। बंदर भी बहुत मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए सिंक में। अगर आपने हेलीपैड की फैसिलिटी ले रखी है तो ये रास्ता जाता है हेलीपैड की तरफ, और इसके अलावा जो सामने जो रास्ता जाता है ये वाला रास्ता, ये हम जाएंगे अर्धकुंवारी कटरा की तरफ। ये है सांझी छत, यहाँ पर भी थोड़ी देर आप रुककर विश्राम कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं नेचर का। ये रास्ता सबसे ऊपर जो देख रहे हैं वो है भैरव घाटी को जाता हुआ, 2.6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और ये आपका जो पुराना बाणगंगा से होते हुए जाता हुआ ऊपर हल्के से ऊपर देख रहे हैं वो जा रहा है हेलीपैड की तरफ, जो यहाँ से आप देख रहे हैं ना वो हल्का सा ऊपर है हेलीपैड की तरफ, और ये आप जो देख रहे हैं बिल्कुल ये नीचे ये बना है नया मार्ग हेमकोटी। तो इनमें से कोई भी जो आपको सही लगे उसमें आप यात्रा कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको भैरव घाटी जानी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, जो कि अराउंड 2.6 किलोमीटर दूर पड़ता है। फ्रेंड्स, 5:20 पे हमने यात्रा स्टार्ट की थी भवन से, और करीब करीब हम 8:30 अराउंड यहाँ पहुँच गए थे अर्धकुंवारी में। उसके बाद रात को हमने अपने जैसे ही नंबर आया हमने दर्शन किए, और अब सुबह हम उड़ के वापस जाने वाले हैं अपने होटल की तरफ
कटरा में। जय माता दी, बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो अभी हम चलते हैं कटरा में और वहाँ देते हैं होटल का टूर। इसके साथ ही आपको और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है तो बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ये जगह जो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर गुलशन कुमार जी के नाम से भंडारा होता है, और ये भंडारा होता है सुबह 9:15 से 4 बजे तक, उसके बाद 6 से लेकर 10 बजे तक। फ्रेंड्स, भवन से होटल जाने के लिए एक यहाँ पर ऑटो फैसिलिटी अवेलेबल है जिसके फिक्स चार्जेस हैं 210 रुपीज़, क्योंकि जाते हुए ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। रास्ता जो है उसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर अराउंड पड़ जाता है, तो ये फिक्स रेट है इनके। अभी हमने रास्ता पूरा कवर कर लिया और मैं ना एक वो इसमें भी बैठा था, तो जिसमें बच्चे बैठते हैं उसमें भी बैठा था, तो सब मुझे ना देख रहे थे, कह रहे थे देखो इतना बड़ा है और इतना छोटे बच्चे वाले झूले में बैठ रहे हैं। तो गाइस, हमने रास्ता पूरा कवर कर लिया है और हम वैष्णो देवी माता के पास भी घूमकर आ गए हैं, सब जगह घूम के आ गए हैं, भैरव बाबा भी और रोपवे में भी। तो गाइस देखिए आगे का रास्ता। तो फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए अपने होटल श्रद्धा, होटल श्रद्धा। तो मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा इसका, चलिए आपको भी होटल टूर कराते हैं। तो इसके पर डे के चार्जेस, जैसे अगर आप 2 बेडरूम लेते हैं, आई मीन फैमिली रूम जिसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड लगा हो, तो उसके चार्जेस पर डे के चार्जेस हैं 2300 रुपीज़, और आप अगर एक सिंगल बेड वाला रूम लेते हैं तो उसके चार्जेस हैं 1800 रुपीज़। और ये देखिए, ये भोजनालय भी इनका अपना ही है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें लिफ्ट लगी हुई थी, इससे ये था कि हम थके हुए आए थे तो अगर मान लीजिए 3rd फ्लोर में था तो वैसे ही हमें स्टेयर से जाना पड़ता, बट लिफ्ट की वजह से थोड़ा इजी हो गया। ये इनका रिसेप्शन एरिया, ये देखिए ये कलाकृति। कटरा में अगर आप रूम देखें तो रूम का जो रेंज है वो 600 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। क्लीनलीनेस था रूम, और फुली एसी प्लस गीज़र। और सबसे अच्छा जो यहाँ एक्सपीरियंस वो ये कि ये सामने जो व्यू था, बस स्टैंड का व्यू था, लेकिन सामने आपका जो अर्धकुंवारी के दर्शन यहाँ से, जो अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन है सामने से हो रहे थे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस होटल का। अगर आप नेट यूज़ करना चाहते हो, वाईफाई की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी इसमें। और फ्रेंड, एक मेन इन्फॉर्मेशन, इसके सामने आप देख रहे हैं, सामने बिल्कुल निहारिका भवन दिखाई दे रहा है। निहारिका भवन में आप किसी भी तरीके की जो बुकिंग है होटल की, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। हमें टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम ये कर बैठे, लेकिन अगर आप प्लानिंग करके आते हैं तो निहारिका भवन में ज़रूर एक बार होके आइए। और ये सामने आप देख रहे हैं यात्रा पंजीकरण कक्ष, ये क्या है, अगर आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची बना के आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना पाते तो यहाँ से भी आप यात्रा पर्ची आप बनवा सकते हैं। और लास्ट में सजेस्ट करूँगा कि शॉपिंग तो आप कर ही लीजिए, ड्राई फ्रूट्स की, और यहाँ जो जैसे ये जो दिखाई दे रहे हैं राजमा की, जो यहाँ पर फेमस है, जो यहाँ ही बनता है, तो वो आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देख के परख के चलेंगे तो आपको चीज़ अच्छी ही मिलेगी। शाम के समय बहुत अच्छा सुहावना मौसम हो गया था, थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के बहुत ही अच्छा सफ़र रहा।
माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए और सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो गई। बट एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने अपना जो अपनी यात्रा है बहुत अच्छी करनी है तो सबसे पहला प्री प्लानिंग करके आइए। तो फ्रेंड्स यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय बाय, जय माता दी।